चार सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम से संबंधित ज्ञापन एरियम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव को सौंपा, जिसके संबंध में यूनियन के जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून को वापस लिया जाए तथा किसानों की उपज का खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की खरीद पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित करते हुए इसके लिए कानून बनाया जाए। इस अवसर पर सुनील कुमार, भोलानाथ मौर्य, मनोज कुमार, राजू कांत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूनियन के जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, इसमें हम लोगों का जो किसान बिल बना है इसके विरोध में हम लोग आज ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 6 महीने पूरे हो जाने के बाद भी धरने पर आज तक कुछ हुआ नहीं और 1 साल कानून को बने हो गया और लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ स्थानीय भी समस्याएं हैं, गोरखपुर में एक ही कॉपी है ये तो आपके पास रह जाएगी ना। अच्छा, बाई पोस्ट ही जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं वो अलग से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। विनय शुक्ला, जिला अध्यक्ष गोरखपुर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज कृषि कानून बने 1 साल हो गया, आज हम लोग कृषि कानून के विरोध में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, उसके संबंध में हम लोग कहना चाहते हैं कि जो अगर सरकार के खिलाफ किसान हैं और कंडीशन ये है कि आप खुद गोरखपुर जनपद का ले लीजिए, जो उन्होंने कहा है कि गेहूं क्रय केंद्रों पे 100% खरीदारी होगी, आज स्थिति है कि 100% छोड़ दीजिए, किसान अपने गेहूं को क्रय केंद्र पर ले करके जा रहे हैं, कई दिन तक लाइन लगा रहे हैं लेकिन उनकी खरीद नहीं हो रही है। कई जगह हस्तक्षेप करने के बाद भी गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो MSP है उस पर नहीं मिल रहा है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो आप MSP चिल्ला रहे हैं उसको कानूनी जमा पहनाया जाए और किसानों के उपज का निश्चित मूल्य दिलाया जाए और जो कृषि कानून बिल हैं इनको रद्द किया जाए।